हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट पांच, जिसमें हमारा आप देख रहे हैं हमारी बुक चल रही है। ये हमारा है पृथ्वी और हमारा जीवन। तो इसका जो हमारा आज टॉपिक है वो है पांचवा टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल वैसे आप जानते होंगे क्या है। वायु ने कि एक ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे है और इसकी एक तह है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ तक तो दिया है पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, क्यों कहते हैं ये सब ये आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। तो यहाँ तक तो आपके लिए कोई खास चीजें नहीं है, जहां पर खास है वो हम देखते हैं। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन क्या है। आपको पता है कि जो हमारा वायुमंडल वो अनेक तरह की गैसों से युक्त है, जिसमें से दो गैसें ऐसी है जो 99% उपस्थित है, जिसमें नाइट्रोजन आपका 78% है और जो ऑक्सीजन है वो 21% है। और बाकी जो शेष गैसें होती हैं आपकी कौन कौन सी हैं, वो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि जो सम्मिलित हैं वो आपके आते हैं 1% गैस में। और आप देखते हैं कि आपका जो हरित गृह जो प्रभाव पड़ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पड़ रहा है, वो मात्र 1% के अंतर्गत ही आता है, जबकि इसमें और भी गैसें हैं, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन ऐसी गैसें, उसके बावजूद भी इसका प्रभाव इतना अधिक है कि आप देख रहे हैं। फिर आगे नीचे देखिए, आपको एक डायग्राम बना हुआ ये दिखाया जा रहा है कि इसके माध्यम से समझाया जा रहा है कि 78% आपका नाइट्रोजन है। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी है वायुमंडल में, तो आपका आंसर होगा 78% और ऑक्सीजन है 21% और अदर जो गैसें होती है वो केवल 1% है। तो यहाँ से आपका केवल इतना ही बनता है। अगले लाइन पे चलते हैं हम। यहाँ ऊपर बच्चों के लिए दिखाया गया है, ये आपके लिए नहीं है। फिर यह है वायुमंडल की परतें। वैसे आपके लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे भी कोई खास नहीं दिया गया, सिर्फ आपको बताया जा रहा है। एक बार देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल भारी गैसें पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के कारण पर इसे पांच परतों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा क्षोभ मंडल, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये पांच मंडलों से मिलकर हमारा वातावरण बना है या वायुमंडल बना है। फिर ये बच्चों के लिए दिया गया है। आपके लिए जो खास पॉइंट है वो यहाँ पर है, देखिए दिया है वायुमंडल की। ये इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं दिया, थोड़ा दिया है, बट आपके लिए इतना भी बहुत है। हम अगली जो बुक्स है हमारे पास उसमें इसके बारे में और डिटेल में दिया गया है, तो हम वो भी देखेंगे। फिलहाल यही देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और यह परत धरातल के लगभग 15 किमी ऊंचाई तक पाया जाता है। धरातल पर इसकी ऊंचाई, धरातल से यानी कि जो हमारा पृथ्वी का भूभाग है वहां से इसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर ऊपर तक है ये क्षोभ मंडल। यही मंडल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ध्रुव पर और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन यही पॉइंट आपसे का प्रश्न बनेगा कि ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक और भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो 18 किलोमीटर तक है। फिर यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति किमी यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई आप जाएंगे तो आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी मिलेगी। ये कमी क्यों मिलेगी आपको ये आगे पता चलेगा, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ऊंचाई के साथ इसके तापमान में परिवर्तन के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आप मौसम संबंधी अनेक घटनाएं, जो अभी मौसम की संबंधी घटनाएं होती है, जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बिजली का चमकना, बादलों का गर्जना, वर्षा आदि, ये सब क्षोभ मंडल में ही ये घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ पे एक चित्र है बट वो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें इतना अच्छा नहीं आ रहा है। फिर आगे दिया है समताप, दूसरा जो आपका आता है समताप मंडल। फिर दिया है यहाँ पे, ये भी देखिए ये पॉइंट दिया है, जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण परत है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए अगला जो है हमारा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको अवशोषित करती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ओजोन मंडल कौन सी गैस को अवशोषित करती है, कौन से किरणों को अवशोषित करती है, तो ये होगा पराबैंगनी किरणें। फिर आगे है आयन मंडल, ये जो तीसरा हमारा, फिर उसके बाद है मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल में उल्कापात होते हैं, जो टूटते तारे जैसी घटनाएं आप देखते हैं वो आयन मध्य मंडल में होते हैं, ये उल्कापात होते हैं जिसमें।
और उसके बाद आता है हमारा आयन मंडल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अणु होते हैं, गैस के अणु होते हैं, उनमें आयन आ जाता है, आवेश हो जाता है, जिसके कारण से ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं और क्या होता है हमारा रेडियो और टेलीविजन का जो प्रसारण है वो होता है। तो आप यही कि जो आपकी रेडियो तरंगे हैं वो कहाँ से रिटर्न होती है, तो वो आयन मंडल से रिटर्न होती है, जिससे आपके रेडियो टेलीविजन वगैरह देखे और आप जो देखते हैं चलाते हैं वो इसकी वजह से है। फिर लास्ट में आता है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जिसे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं वो होता है वायुमंडल। फिर अब दिया है देखिए वायुमंडल के तत्व, यानी कि इन वायुमंडल में क्या क्या चीजें मिलकर आपका वायुमंडल का निर्माण करती हैं। तो पहला इसमें आता है आपका तापमान। इसमें है क्या क्या, तापमान है, पवन, वायुदाब, वर्षा और आर्द्रता यानी कि नमी, ये सब चीजें मिलकर आपका वायुमंडल के तत्व का निर्धारण करती है और वायुमंडल का निर्माण होता है। तो पहला हम देखेंगे तापमान। देखिए पृथ्वी की संरचना के आधार पर हर जगह तापमान अलग अलग है, और आप जानते हैं कि पृथ्वी पे ऊष्मा और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो सूर्य है। तो दिया है सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है और इस क्रिया को सौर विकिरण कहते हैं। आपसे प्रश्न बनेगा कि सौर विकिरण किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सूर्य जब सभी दिशाओं में अपना प्रकाश और ऊर्जा फैलाता है, इस क्रिया को सूर्य विकिरण कहते हैं। और फिर क्या होता है, जब ये सूर्य विकिरण तो हो रहा है, जब पृथ्वी को प्राप्त होती है सूर्य द्वारा जो ऊष्मा और गर्मी पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे हम सूर्य ताप कहते हैं। उसी विकिरण को जो पृथ्वी को अवशोषित करती है वो होता है हमारा सूर्य ताप। फिर यहाँ देखिए पृथ्वी का धरातल मुख्य इसी सूर्य ताप से गर्म होता है, सूर्य की किरणें पहले, देखिए जो हमने पीछे ना कि ऊपर वायुमंडल में हम जाते हैं, जैसे जैसे एक किलोमीटर की ऊंचाई जैसे बढ़ते हैं तो हमें 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो क्यों कम होता है, उसका रीजन आपको यहाँ मिलेगा। देखिए सूर्य का धरातल मुख्यतः पृथ्वी सूर्य ताप से गर्म होता है, सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म करती हैं, यानी कि सूर्य की किरणें डायरेक्टली कहीं बीच में न रुककर धरातल को ही गर्म करती है। और फिर क्या होता है, धरातल के संपर्क में जो गर्म जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के फलस्वरूप वो ऊपर उड़ती हैं, और जितनी ऊंचाई तक वो जाती हैं गर्म हवाएं उतनी ऊंचाई पर गर्मी पहुंचेगी, अन्यथा उसके ऊपर ठंडा रहेगा। इसीलिए हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं आपको हवाएं ठंडी मिलेंगी। फिर आगे देखिए क्या दिया है, वायु को गर्माहट, जो वायु में गर्माहट है या ठंडापन है, इसकी मात्रा को हम तापमान कहते हैं, यही तापमान कहलाता है। क्या वायु में जो गर्मी है या वायु में जो ठंडापन है, इसी को हम तापमान कहते हैं। और तापमान मापने का मानक डिग्री सेल्सियस है, इसका ये निशान है, और इसे तापमापी यानी कि थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। अब हमको पढ़ना है वायुदाब। वायुदाब क्या है, देखिए दिया है यहाँ, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आप अभी आप देख चुके हैं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सब से मिलकर वायु बनता है। और तो बताया है कि इनका दाब, आपने अभी पढ़ा कि जो पृथ्वी के नजदीक जो होती है वो सबसे भारी गैस होती है, और क्रमशः इनका एक लेयर बन जाता है, और क्या होता है जो हल्की गैसें होती है वो ऊपर होती है, जो भारी गैसें होती है वो नीचे होती है। तो क्या होता है, ये एक दूसरे के परत पर, यानी कि जो एक लेयर हम बनाए इसका, तो जब सबसे ऊपर गैस है उस पर दाब कम पड़ेगा, और जो सबसे नीचे है उस पर सबसे ज्यादा दाब पड़ेगा, और अन्य गैसों का भार भी उस पर पड़ेगा। तो इस क्रिया को यानी कि इस परतों को क्या है, वायु दाब या वायु भार कहते हैं। और वायु दाब एक यंत्र द्वारा मापता है, यानी कि आप वायु दाब को किसके द्वारा मापेंगे, तो वो है बैरोमीटर। ये प्रश्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु दाब को आप कैसे नापते हैं, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर की जो इकाई है वो क्या है, मिली बार, आप मिली बार में बैरोमीटर यूज करते हैं। फिर आगे आपका बताता है, पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं है, दाब के वितरण में लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार की भिन्नता है। लंबवत का मतलब ऊपर नीचे होती है, और क्षैतिज का मतलब इस तरह से का आपको भिन्नताएं मिलेंगी। तो आप देखिए वायु दाब में ही आपको पढ़ना है लंबवत। जैसा कि आप जानते हैं कि धरातल के ऊपर जाने पर वायु का दाब कम हो जाता है, अभी आपने पढ़ा कि वायु का दाब ऊपर जाने पर कम होता है, और जितनी हम धरातल के नजदीक होंगे वहां पे वायु का दाब अधिक होगा, और वायु का घनत्व निचली परतों में सर्वाधिक होता है। फिर दिया है आगे, निचली परत में भारी गैसें पाई जाती हैं, इसके विपरीत ऊपरी परत की वायु विरल, विरल अर्थात जब
जो गैसें जितनी हल्की होती हैं उनके अणु आपस में उतने ही दूर होते हैं, और जो गैस जितनी भारी होती हैं उनके अणु आपस में उतने ही नजदीक होते हैं। तो विरल का मतलब होता है दूर होना। तो यहाँ पे दिया है कि विपरीत, यानी कि इसके विपरीत ऊपरी परतों की जो वायु है विरल होती है, यानी कि अधिक घनी नहीं होती और फैल जाती है। अतः ऊंचाई के साथ दाब व घनत्व दोनों कम हो जाते हैं। दाब भी कम होता है, वायु का दाब जितनी ऊंची ऊपर की परतों पे आप जाएंगे तो दाब भी कम होगा, और उनका घनत्व, घनत्व में विरल होंगे, वो घने नहीं होंगे। फिर धरातल या क्षैतिज, ये आपने ऊंचाई के अकॉर्डिंग पढ़ा, मैंने बताया ना कि आपका वो लंबवत, लंबवत माने एक के ऊपर एक। अब आपको क्षैतिज पढ़ना है, यानी कि कुछ इस कैटेगरी से, एक यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चित्र में, तो यहाँ देखिए क्या बताया गया। यहाँ पे आपको चार पेटियां पढ़नी है, वायु दाब की जो चार पेटियां बनाई है उनको पढ़ना है। वायुमंडलीय दबाव के अक्षांश से, जो अक्षांशों के अकॉर्डिंग चलेंगे, वितरण को वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायु दाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं, जिसमें हमारा चलेगा पहला है विषुवत या भूमध्य रेखीय वायु दाब पेटी। देखिए, जब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, आप जानते हैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, तो इसके 5 डिग्री पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी दोनों पोलों पर आपका जो है वो गर्म हवाएं होती है, क्योंकि पृथ्वी जो सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा हिस्सा होने के कारण सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा यहीं होता है, और ये एरिया गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, जो जब हवाएं गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने के कारण वो ऊपर उठने लगती है, और यहाँ वायु दाब में कमी हो जाती है। जब वायु ऊपर उठेगी, दाब तो नीचे पड़ेगा ना, जब वायु नीचे इसकी दबाव पे दबाव बनेगा, लेकिन यहाँ पे वायु ऊपर जा रही है तो यहाँ पे क्या होता है, वायु का दबाव कम हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है। इस कम दबाव वाली पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि डोलड्रम किसे, यहाँ पे जितने भी आप देखिए जो राइट में लिखे गए हैं अक्षर, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो शब्द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, और कभी कभी बीच में से क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेड वाले ही पूछे जाएंगे, तो आप इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। तो कहा है डोलड्रम क्या है, किसे कहते हैं, आप समझिए, इसे याद मत कीजिए, समझिए, क्योंकि आप समझ लेंगे तो जीवन पर्यंत आपको ये आता रहेगा, और याद करेंगे तो आगे चल के भूल जाएंगे। डोलड्रम क्या है, जब दबाव वाली पेटी, क्या कहा जाए, जब हल्की होकर, हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है तो वहां वायु का दबाव कम हो जाता है, और इस स्थिति को डोलड्रम कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, यानी कि भूमध्य रेखा से जब थोड़ा सा उत्तरी पोल नॉर्थ पोल पर चलते हैं तो 30 से 35 डिग्री के बीच में आपका जो स्थिति बनती है वो होता है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। यानी कि जब पोलों की साइड से आप चलेंगे तो ठंडी हवाएं मिलेंगी, और जब आप रेखा भूमध्य रेखा के अकॉर्ड की साइड से चलेंगे तो आपको गर्म हवाएं मिलेंगी, तो क्या होता है वो उपोष्ण होता है, गर्म भी है और ठंडा भी। तो क्या है ये पेटी, भूमध्य रेखा के दोनों तीस ये बता चुकी हूँ। क्या है, वायु दाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने से वायु दाब भी उच्च हो जाता है। जब आपका भूमध्य रेखा पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो दोनों पोलों की तरफ से, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये यहाँ से हवाएं, ठंडी हवाएं उस एरिया को घेरने के लिए तेजी से नीचे आती है भूमध्य रेखा की तरफ। यानी कि हवाएं किधर आ रही है, यहाँ से, इधर से इस भूमध्य रेखा की तरफ दोनों पोलों से हवाएं चलने लगती हैं। तो ये स्थिति क्या बनाती है, तो ये कहते हैं वायु के जो ऊपर उठने वाली वायु, हवा से उतरने वाली वायु के उच्च पाया जाता है। समानता वायु दाब तथा तापमान विपरीत संबंध होता है, यानी कि जब तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब कम होगा, और वायु दाब बढ़ेगा तो तापमान कम होगा। ये खास रीजन है, क्योंकि देखिए अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ पे दाब, वायु दाब कम होता है तो क्या होता है, वेग तेज होता है। तो यहाँ कहा गया है अर्थात जब तापमान ज्यादा होता है तो वायु दाब कम, और जब तापमान कम हो तो वायु दाब ज्यादा, इसलिए कहा गया है। देखिए ये पॉइंट, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहा गया है जब थर्मामीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचे, तथा थर्मामीटर नीचे है तो बैरोमीटर ऊंचा होता है। ये स्थिति है कहाँ की, उपोष्ण वायु दाब पेटी की, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी की। फिर तीसरा देखिए क्या दिया गया है इसमें, तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। ये स्थिति कहाँ बनेगी, देखिए यह स्थिति अभी आपने उपोष्ण उच्च वायु दाब 30 से 35 के बीच में पढ़ा, और ये बनेगा 60 से 65 अक्षांश के मध्य में। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, अब ये पोलों की साइड से ज्यादा है तो यहाँ पे ठंडी हवाएं आपको ज्यादा मिलेंगी और गर्म हवाएं कम। तो यहाँ क्या होगा,
पृथ्वी के ऊपरी धुरी पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर चलती है। उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, यहाँ पे भी आपने ऊपर देखा तो क्या, जब ये हवा इधर भूमध्य रेखा की तरफ जाती है तो इस जगह को घेरने के लिए ये हवाएं यहाँ पर जाती हैं, यानी कि उपध्रुवीय निम्न वायु दाब जो है आपका यहाँ से इस ये वाली वायु इस जगह को घेरने के लिए चली जाती है तो क्या होता है कि और चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वायु विरल हो जाती है। अब यहाँ पे किसी तरह का दाब नहीं बन रहा, ऊपर से वो बन रहा है तो क्या करते हैं, तो यहाँ जो वायु है ये खिसक कर इसके क्षेत्र में जाती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो वायु का दाब है वो कम हो जाता है, यहाँ पे वायु दाब, अतः यहाँ निम्न वायु दाब पाया जाता है, जबकि तापमान भी यहाँ कम होता है। पोलों पे शायद आपको पता है कि जब हम नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जाते हैं तो वहां की वायु ठंडी है, तो इसलिए क्या होता है वहां पे तापमान कम होता है और वायु दाब भी कम हो जाता है। फिर आपका आता है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। अब आप ध्रुवों पे पहुंच गए यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, तो वहां क्या ये 90 इंच के चांस पर आपको मिलेगी। फिर यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती है, अतः तापमान स्थायी रूप से बहुत ही कम, अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायु दाब पाया जाता है। यहाँ जो हवाओं की गति है वो ना के बराबर होती है, जिसके कारण यहाँ पे दबाव उच्च पाया जाता है, वायु दाब उच्च पाया जाता है, जबकि तापमान 0 डिग्री से क्या -डिग्री में भी चला जाता है, आपने देखा होगा। तो ये पोल है हमारे। अब आपको देखिए यहाँ पे अभी हमको और देखना है हमारे वायु दाब की आर्द्रता। अब हमको आर्द्रता देखना है। आर्द्रता क्या है? जल वाष्प जब हवा में घुल जाती है तो वह आर्द्रता कहलाती है। तो क्या है और आगे क्या है? वायुमंडल में जल वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा आती है, जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तब यहाँ थोड़ी नमी होती है, वाष्प में बदल जाती है और रिवाष्प वायुमंडल में आ जाती है। ये एक चित्र दिखाया गया है। आगे देखिए क्या है, जब बताया जाता है कि ये जल वाष्प जब ठंडी होकर संघनित होती है, ठंडी होकर फिर पानी के में कन्वर्ट होती है, तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। ये बादलों में जाती है और बूंदों के रूप में कन्वर्ट होती है और फिर क्या होता है, ये फिर पुनः जमीन पर गिरती है। तो यहाँ तो ये संघनन हो गया और ये संघनन आपको ये बूंदे फिर आपको कहाँ दिखाई देंगी, ये बूंदे आपको ओस पाला कोहरा बादल तथा वर्षा के रूप में दिखाई देंगी। अब आपको पढ़ना है वर्षा। वर्षा क्या है? अभी आपने देखा कि संघनन हो रहा है यानी कि जो जल वाष्प है वो संघनित हो रही है और ये संघनन की क्रिया बूंदों में कन्वर्ट होती है, बूंदे जो वाष्प है वो बूंदों में कन्वर्ट होती है और क्या होता है अंततः ये बूंदे बहुत ज्यादा बड़ी होती है जिसे बादल संभाल नहीं पाता और वो पुनः इसे धरती पर गिराना स्टार्ट करते, तो इन्हीं गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा का नाम देते हैं। फिर दिया है, लेकिन जब ये हिमकणों के रूप में गिरते हैं तो इसे हिमपात कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता नापने वाले यंत्र को आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। फिर आगे है मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु क्या है? मौसम एक दिन के परिवर्तन में, आपके मौसम में परिवर्तन जो भी आपको देखने को मिलता है वो होता है मौसम, दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है एक दिन में। लेकिन जब एक लंबे समय अंतराल में इन मौसम का जो हम आंकड़ा निकालते हैं और इसमें औसत तौर पर निकाल के बताते हैं वो होता है हमारा जलवायु। देखिए मुख्य तौर पर यहाँ पे दिया है, इसे समझिए। इस प्रकार मौसम वायुमंडल की क्षणिक बहुत थोड़े समय की अवस्था का बोध कराता है, तो जलवायु दीर्घकालीन लंबे समय की अवस्था का बोध कराता है। क्या है? मौसम आपको मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है और जलवायु दीर्घकालीन अवस्था का बोध कराता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक तो यहीं समाप्त हुआ। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो लंबी हो जा रही है, आप लोग को ठीक भी न लगे। यहाँ पे आपके लिए कुछ खास नहीं है, दिया है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो ये सही है। धरातल में 15 किमी ऊपर तक वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। जीवधारियों के लिए केवल क्षोभ मंडल इम्पोर्टेंट है जो 15 किलोमीटर ऊंचाई तक है। फिर गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं है, बिल्कुल है जी। आपके वो है धूलकण है, जलवाष्प है, ये नहीं है, ये गलत होगा। वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं, 21% नेट ऑक्सीजन है, इससे ज्यादा नहीं है। फिर आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में क्या है आपका? मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? ये होती है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल। फिर दिया है वायु दाब किससे नापते हैं आप? बैरोमीटर से। वायु दाब बैरोमीटर से मापते हैं। अब वायुमंडल में उपस्थित को आर्द्रता कहते हैं, किसको? जल वाष्प, जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। और तापमान
तापमापी, तापमापी से मापा जाता है। फिर आगे दिया है, जोड़े बनाना है आपको। ऑक्सीजन हमारे श्वसन के लिए इम्पोर्टेंट है। डिग्री सेल्सियस से क्या है, तापमान, और मिली बार जो वायु दाब की इच्छो सबसे छोटी इकाई है मिली बार। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये टॉपिक कैसा लगा आपको, इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली वीडियो में आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।